खबर बरेली से है, जहां पर फतेहगंज पूर्वी से कांवड़ के 10वें जत्थे को थाना प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस बल के सहित कांवड़ियों का स्वागत किया है। थाना प्रभारी ने फूलमाला पहनाकर कांवड़ियों के जत्थे को रवाना कर दिया है। इस जत्थे में 6 दर्जन से अधिक कांवड़िये 31 जुलाई को प्रातः हर की पौड़ी से जल भर गोला गोरकरनाथ को प्रस्थान करेंगे। चित्रकूट में भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है और इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और ये संगठन के लिए काम करती है। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुँचाने चाहिए, जिसको लेकर प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी और भाजपा सरकार आम जन की सरकार है। वहीं प्रशिक्षण शिविर में शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा चुनाव की हमेशा तैयारी करती रहती है, 24 में यूपी में 75 प्लस की तैयारी है और इसके साथ ही कार्यक्रम में तमाम मंत्री शामिल हुए जिन्होंने कार्यक्रम में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। चुनाव ही हमारा लक्ष्य नहीं रहता, और समाज की सेवा भी रहता है, गरीब कल्याण योजनाएं भी रहती है, रोजगार के अवसर भी रहते हैं, चित्रकूट धाम का विकास भी है, तमाम ऐसे विषय हैं, सबको लेकर के हम लोग आगे। सर, इस बार ऑपरेशन क्लीन का आप लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, 80 सीट की ट्रेनिंग तो आपकी यहाँ चल रही है, अगले जी वाई की ट्रेनिंग कहाँ चल रही है? 75 प्लस 2024 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश से हम लोग रहेंगे, 75 प्लस में मैं इतना ही कहता हूँ कि 80 से कम नहीं, यूपी से और 75 से कम नहीं, 80 से ज्यादा। बाकी लोग ट्रेनिंग कहाँ ले जाके, जब आप लोग 75 से 80 ले जाएंगे? ये तो उनसे जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए आदरणीय मोदी जी सामने देख रहे, सामने सामने, और संपूर्ण योजना कि गरीब को लाभ कैसे मिले, गरीब की खुशहाली कैसे, कानून का शासन कैसे, और गाँव गरीब दुखी जो है उसको सम्मान कैसे, चाहे छत के माध्यम से, चाहे पैर धोने के माध्यम से, यानी उन सामाजिक संपर्क लेकर उस गरीब का आर्थिक राजनीतिक सामाजिक राजभर जी है, गठबंधन बन रहा है, विभाजन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी, बूथ पर संगठन मजबूत हो, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर कल से चल रहा है, कल तक चलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी 80 में 75 पहले जीते हैं, लेकिन अब 80 का लक्ष्य है, इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। अच्छा, इस बार क्या लाइन ऑफ एक्शन कुछ चेंज किया गया है, मतलब किस तरह से, किस वोट बैंक पर या विपक्षी पार्टियों के कोर वोट बैंक पर टारगेट करने की स्ट्रेटजी है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है इथा नाम तथा गो, भारत में रहने वाली जितनी भी जनता है भारतीय जनता पार्टी उसको अपने से संबद्ध करते हुए राजनीति करती है, कुछ नहीं रहने देंगे, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे काम। आजादी के बाद एक ही प्रकार की व्यवस्था थी, माओवादी मोनो नीचे कर मोनो, उसके बाद जो भारतीय संस्कार और संस्कृति के आधार पर विचारधारा बनी उसका प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनसंघ ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ताओं के लीडर्स ग्रुप है, उनको इस प्रकार का प्रशिक्षित किया जाता है कि वो निचले स्तर तक के लोगों को बीजेपी की रीत नीति सिद्धांत के बारे में, खासतौर से ये जो हमारा अधिष्ठान है, वो कोई नेता नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, अधिष्ठान है हमारा सिद्धांत, वो सिद्धांत क्या है, भारत माता की जय, यानी राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। इस आधार पर जो चिंतन का प्रकल्प है बीजेपी के रीति का दर्शन से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का जो यात्रा है, उसका अलग अलग सत्र में विभिन्न है, सामाजिक भी चिंतन है, राष्ट्र का भी चिंतन है, जो यहाँ का परिदृश्य है, जो आर्थिक संतुलन है उसका भी चिंतन है, और बीजेपी की रीति नीति सिद्धांत का जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति की जो यात्रा है उसका भी चिंतन। कर्नाटक में योगी माता बनाने की बात बताइए, आपने विपक्षियों को प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ राय देंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, विपक्ष के पास में कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उनके पास में जाति है, उनके पास में धर्म है, उनके पास में अनर्गल प्रलाप है, तो उस असैद्धांतिक जो उनका नीति और नियत है, वो आपने देखा होगा अनैतिक गठबंधन का प्रतिफल क्या होता है,
कि चुनाव हारते ही सारे लोग एक एक करके चोट में भाग गए। तो ऐसा जो बेजोड़ बेमेल गठबंधन की राजनीति है, अब उसकी कोई भी वास्तविकता उत्तर प्रदेश के धरातल पर नहीं। खबर बदायूं से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान मंत्री ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के आधार पर पार्टी कार्य कर रही है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ट्यूबवेल उनके द्वारा सिंचाई के संसाधन अपने किसानों को मुहैया कराया जाएगा। नहरों में हेड से टेल तक पानी कैसे पहुंचे, अब वर्षा ऋतु है, पानी भी बरस रहा है, इंद्रदेव की कृपा भी है। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई परिस्थितियां होंगी तो उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ में है। मंत्री जी, 5 ऐसे कार्य बताइए जो सबसे बड़े सरकार ने कराए 100 दिनों में। आप जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपने हर घर जल नल से जल परियोजना है, जिसको बुंदेलखंड और बिंदे के क्षेत्र में एक लक्ष्य के रूप में दिया था, उसको जो एकल परियोजना। खबर आगरा से है, जहां पर अकोला ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का ब्लॉक प्रमुख ने माला पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रधान को एक कुपोषण बच्चे को गोद लेना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। वह इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सहित कई ग्राम पंचायतों के प्रधान भी शामिल रहे। अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया हुआ है, इससे एक विकास का शुरू हो गया है, विकास कार्य शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितने लोकार्पण हुए हैं, तो ये सब विकास के ही एक प्रतीक है जो हमें बता रहे हैं कि कितने कार्य होंगे। इसके अलावा और भी जो भी कार्य विधानसभा के, वो भी हम निर्माण कार्यों के लगभग 1 करोड़ रुपए के टेंडर पड़ गए हैं, वो भी विधानसभा में। जो भी हमारे कार्यकर्ता कार्य बताए, आपने एक पहल की शुरुआत की कि कुपोषण जो उन बच्चों को है, वो क्या है पूरा मामला, कि आप कैसे चाहते हैं? पूरा मामला ये है कि हमारे कुछ बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, जब वो गर्भ में होते हैं तो उनकी या तो माँ को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, या वो इतने गरीब है कि कर नहीं पा रहे, जब उनका जन्म होता है तो वो कुपोषित ही होती है। उन कुपोषित बच्चों को हम सामान्य बच्चे कैसे बनाए, उनको सामान्य मुख्य धारा से कैसे जोड़े, उनको क्या बीमारी है हम ये पता करते हैं, बजट के खर्चों में ये पता करते हैं, उनकी लंबाई क्यों नहीं पड़ रही, ये सारी चीज़ें। इसके लिए एक वार्ड है हमारा बच्चा वार्ड हॉस्पिटल में, अगली बार आऊँगी तो उसका निरीक्षण करने आऊँगी तो आप लोग भी चलिएगा। वह हर समय हमारे 20-25 बच्चे ऐसे कुपोषित रहते ही हैं, वो ठीक हों, अपने माता पिता के साथ रहें, पढ़े लिखे, आगे चल के माता पिता का सहारा बने, ऐसे बच्चों की हम चिंता कर रहे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको हमने मैम और सेम दिया है। जो ज़्यादा कुपोषित होते हैं उन्हें सेम, और जो कम कुपोषित होते हैं उन्हें मैम बच्चे कहा जाता है। ऐसे करीब लगभग 2,500 बच्चों का हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जब कार्यक्रम शुरू होगा तो आप लोग बुलाएंगे, तब इसकी पूरी आपको बातें तभी पता चलेंगी ठीक से। इसलिए महिला कल्याण की ओर से जो गर्भवती बहन है हमारी, उसको हम 1 महीने में राशन दे रहे हैं, चने की दाल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, और चावल दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं कुछ, जिससे कि वो खाए और एक एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ के राजाजीपुरम में क्षेत्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह इस रोचक मुकाबले में प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए SP बैडमिंटन चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में संजय सिंह चौहान ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।
खबर फरुखाबाद से है, जहां पर गांव कुम्भौर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से राशन कोटे के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार व पूर्ति निरीक्षक के साथ जांच करने पहुंचे थे। वहीं जांच के दौरान प्रधान और कोटेदार के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट के साथ ही फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस फोर्स पहुंची। वहीं देखते ही देखते पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नाम ब्रजेश कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप? पंचम मंगला। हमने शिकायत करता है, हमें यहाँ अभियान के लिए बुलाया गया। किस शिकायत माध्यम में शिकायत करता है? राशन कार्ड के, ये राशन कार्ड पे 8-8 किलो कम देते हैं और 3-3 बार भगाते हैं। कौन कम देता है? उमेंद्र कोटेदार। ठीक है, तो आज का घटनाक्रम जो हुआ आपने देखा? मैंने सोमवार को प्रार्थना पत्र दिया था डीएम साहब। डीएम साहब आज की घटना के बारे में बताओ, आज क्या हुआ? नहीं नहीं सर सुन लीजिए, मैंने डीएम साहब के यहाँ दिया था। उसके बाद में परसों मीटिंग हुई मैडम जी ने की हमारे यहाँ, वहाँ इन लोगों ने मार तोड़ की, कार्डों पे पानी डाला। किसने मार तोड़ की? ये उमेंद्र, इनके यादविंदर इनके भाई थे, इनको हटकते रहे। भाई का क्या नाम है? भाई का उमेंद्र कोटेदार है, इनके भाई का नाम नाम आनंद विक्रम सिंह है। यहाँ ये बयान हो रहे थे, इन बयान में इनका पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव का बेटा है उमेंद्र, और इनसे छोटा वाला जो डॉक्टरी कर रहा है, क्या नाम उसका? क्यों छोटा वाला क्या नाम है इसका? वो जो भी है उसने वहाँ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद उधर से पथराव शुरू किया और हवाई फायरिंग तमंचा शुरू कर दी। मारपीट अंदर जहाँ अंदर वहाँ वही मारपीट शुरू हुई, उसके बाद पथराव शुरू किया। सारी लेडीजों पथराव, आप लेडीजों का बयान ले सकते हो, मैडम के बयान पथराव स्वयं किया या साथियों के साथ भी किया? साथियों के साथ वो लोग थे, बहुत लोग थे भीड़ में, हम सबके नाम एक एक करके भी लिख के दे देंगे आपको। आज थाना अमृतपुर के क्षेत्र ग्राम ब्रह्मपुरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम जो एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच पे गई थी, वहाँ पर पूर्व प्रधान जो कि कोटेदार हैं और वर्तमान प्रधान, दोनों के समर्थक वहाँ जांच के दौरान आ गए और उनके बीच में गाली गलौज मारपीट आदि की घटना हुई है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो उसमें उपद्रव करने वाले कुछ लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी इस घटना में संलिप्त है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर महोबा से है, जहां पर पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है जहां पर अवैध शस्त्र बनाए जाते थे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों ने बताया है कि मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली थी कि रजपुरा गाँव में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और शस्त्र बरामद किए हैं। थाना अजनर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली। थाना अजनर में एक गांव रजपुरा पड़ता है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में ही एक परिवार के लोग हैं जो वहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के अंतर्गत को शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा छापा मारा गया और जब एक्शन लिया गया तो वहाँ पर मौके पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 हिस्ट्री शीटर हैं, हरिचंद राजपूत और प्रहलाद राजपूत, और उनके 2 लोग और इसी में शामिल रहे हैं। इसके साथ साथ कार्रवाई के दौरान एक अदद राइफल 315 बोर की, 2 तमंचा 315 बोर के, 24 जो नाल प्रयुक्त होती हैं तमंचा बनाने में वो बरामद हुई हैं, और 17 अर्धनिर्मित तमंचे भी इस कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए। साथ ही साथ शस्त्र फैक्ट्री में जो शस्त्र बनाने में उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। ये अच्छी कार्रवाई आज अजनर पुलिस के द्वारा की गई है और पुलिस अधीक्षक महोबा के द्वारा पुलिस टीम को उचित इनाम देने की घोषणा की। फिरोजाबाद से खाकी की खुली दबंगई सामने आई है। यहाँ पुलिस ने 2 सगे भाइयों और परिजनों की चौकी ले जाकर जमकर मारपीट की। पुलिस की ज्यादती की कहानी आप इन गरीब मजदूरों के शरीर पर देख सकते हैं। वह इसके बाद पुलिस ने पीड़ितों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने राजीनामा नहीं किया तो उन्हें झूठे केस में जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने पीड़ितों की रिहाई के लिए 45,000 रुपए की वसूली की है। ये पूरा मामला थाना सिरसागंज के आराम चौकी का बताया जा रहा है। मैं काम पर जा रहा था, मुझे कोई 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 मैटर नहीं मालूम। 2 सिपाही आए,
अराव ले जाए मुझे मारती हुई चौकी पर, अराव में उतर नहीं पाया उससे पहले लाद दी मेरे, वो अंदर ले जाके मारने लगे सर, मुझसे कुछ कोई नहीं ना कुछ खींचा ना बताया सर, क्या हुआ? तो इतना सर मारा कि वो मुझे होश नहीं रहा है, देखो मेरी लाद है। और ये बात मेरे माता पिता को पता चली तो मेरे माता पिता चौकी आए, उनसे जय सिंह सर ने 45,000 रुपये मांगे थे। कितने रुपए दिए तुमने? 45,000 रुपए दिए। फिर क्या हुआ? और सर वीडियो कॉल कर कर दिखा रहे थे, वीडियो कॉल भी हुई। किसको दिखाया? हेमंत को। किस हेमंत तो का लड़का है। किस बात के लिए उन्हें दिखाया? पता नहीं सर, वो जाने किस वजह से दिखाया है।